ऑफ स्पेशल गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग सामान्य ज्ञान यानी जीके के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को करेंगे, जो कि आपके बिहार पैरामेडिकल 2023 के एग्जामों पॉइंट व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है ना? सो चलिए बच्चों, आज की क्लास को हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी यहाँ पे ये क्वेश्चन रहती है गाइस। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला जा रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ठीक है ना? तो बताएं आप सभी लोग, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी झारखंड या ऑप्शन डी गोवा। बताएं आप सभी लोग। बच्चों यहाँ पे देखिए, दोनों फॉन्ट में यहाँ पे आपकी क्वेश्चंस को लाई गई है। जिन विद्यार्थियों को कंफर्टेबल होगा इंग्लिश लैंग्वेज में, वो इंग्लिश को यहाँ पे देखेंगे, और जो विद्यार्थी हिंदी में अगर देखना चाहेंगे तो वो लोग यहाँ पे हिंदी में देख लेंगे, कोई उनको यहाँ पे दिक्कत होने वाली बात नहीं है बच्चों। ठीक है ना? चलिए बताइए आप लोग फास्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म ऑफ एरिया? बताएं यहाँ पे ऑप्शन है राजस्थान, जम्मू कश्मीर, झारखंड, गोवा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों गण, यहाँ पे अगर आप सभी विद्यार्थियों का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ करेक्ट आंसर, यानी यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है। ठीक है? चलिए अब यहाँ पे देखिए, अगर राजस्थान तो आप लोगों ने जाना सबसे बड़ा राज्य, अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, बताइए आप लोग सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ठीक है? तो इसका यहाँ पे जवाब क्या होगा बच्चों? सबसे छोटा राज्य यहाँ पे गोवा होगा, जैसा कि आप लोग ऑप्शन में देख भी रहे हो, यहाँ पे ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो आप सभी का क्या जवाब होगी? गोवा। ठीक है बच्चों? चलिए अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगर आपसे ऐसे पूछ दिया जाए बच्चों कि आप बताइए कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, बताइए आप लोग विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है बच्चों, फास्ट बताइए। तो बच्चों इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विश्व का सबसे छोटा देश वेटिंगन सिटी है। कौन सा? वेटिंगन सिटी। ठीक है बच्चों? तो चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी बच्चों, तो एक्स्ट्रा पॉइंट को आप लोग एनी हाउ नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना? चलिए अब इसके बाद हम लोग अगले प्रश्नों की ओर मूव करते हैं। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर प्राइज इज गिवेन इन विच फील्ड? बताइए आप लोग फास्ट गाइस, यानी एक पुरस्कार है जिसका नाम है पुलित्जर पुरस्कार, यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है ना? अगर मैं ऑप्शनों की ओर मूव करता हूँ बच्चों, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि ऑप्शन है आपका पत्रकारिता, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी चिकित्सा, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। तो बताइए आप लोग फास्ट गाइस, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? पुलित्जर पुरस्कार बच्चों, अगर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए को अगर यहाँ पे लॉक किए हो, दैट इज करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है ना? अगर यहाँ पे मैं बात करूंगा इस, ये जो पुरस्कार है इसको दो नामों से जाना जाता है, एक तो पुलित्जर पुरस्कार हो ही गया, ठीक है, एक तो ये आपका यहाँ पे पुलित्जर पुरस्कार हो गया, या इसको हम लोग यहाँ पे रेमन मैक्सेसे, ठीक है, रेमन मैक्सेसे पुरस्कार से भी इसे हम लोग जानते हैं बच्चों। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे बच्चों एग्जाम में, ये दोनों में से कोई भी नाम दे दिया जाएगा, पुलित्जर
पुलित्जर पुरस्कार या आपको यहाँ पे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, तो ये दोनों में से आप लोग समझ जाएगा ये दोनों आपको कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दोनों पुरस्कार आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में दी जाती है, ठीक है ना बच्चों? तो आप लोग यहाँ पे ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अब तो बच्चों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो तीन यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि आप लोग बताइए साहित्य के लिए कौन सा पुरस्कार से नवाजा जाता है, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है ना, साहित्य। तो गाइज अगर आप लोगों को जवाब पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग जान लीजिए बुकर पुरस्कार, ठीक है। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो बुकर पुरस्कार गाइज यहाँ पे आपको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे बात रखेंगे और यह सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे यह पुरस्कार होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात आई है फिर चिकित्सा की। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए आप लोग चिकित्सा के लिए कौन सा पुरस्कार से नवाजा जाता है और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो गाइस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पे चिकित्सा और अर्थशास्त्र के लिए, ठीक है ना, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के लिए यहाँ पे नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, यहाँ पे ऑप्शंस दे दी जाएंगी। तो यहाँ पे गाइस क्या आप लोगों का रहेगा, आप लोग याद कर लीजिएगा चिकित्सा और यहाँ पे अर्थशास्त्र, ठीक है ना, इन दोनों के लिए यहाँ पे नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है, ठीक है ना। तो ये सब जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है गाइस आप लोग जरूर इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके लिए, और यहाँ पे अगर पूछा जाए कि आप लोग बताइए ग्रेमी ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्या आप लोगों को इसका जवाब पता है, तो आप लोग बताएंगे अवश्य, ठीक है। तो गाइज मैं बता दे रहा हूँ ग्रेमी पुरस्कार बच्चों आप सभी को यहाँ पे संगीत के क्षेत्र में दी जाती है, कौन सी क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में। तो आप लोग ये सब जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है बच्चों आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ एक और क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ आपसे तो देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा होता है, ये क्वेश्चन आपके लिए, और इसका जवाब आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बच्चों देंगे। देश का सबसे सबसे बड़ा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चों का राइट आंसर आती है, अगर नहीं आएगी तो बच्चों आप सभी को बताई जाएगी देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है। मैं भी काफी संख्या में बच्चों इसका जवाब जरूर दे देंगे, ठीक है ना। कौन सा है और किनके द्वारा इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है, इसका भी नाम यहाँ पे लिखनी है आप सभी को, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम लोग अगले क्वेश्चनों की ओर मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है और ये भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपसे पूछा जा रहा है मानागुआ की राजधानी कहाँ होती है, मानागुआ यह खुद कैपिटल है बच्चों, इसकी कौन सी यहाँ पे, ये किसकी राजधानी है, ठीक है ना। तो बताइए आप लोग ऑप्शंस ए है कोपनहेगन, ऑप्शन बी कैनबरा, ऑप्शन सी निकारागुआ या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, बताइए आप लोग प्यारे विद्यार्थियों मेरे इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, आप लोग जरूर इसे याद करें और नोट करें बच्चों, ठीक है ना। तो बताइए आप लोग फास्ट जितना जल्दी हो सके बताइए इस प्यारे से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, फास्ट बच्चों बताइएगा आप लोग इस प्यारे से क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या होगी। तो जी हाँ दोस्तों अगर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का जवाब आया ऑप्शन नंबर सी इट इज करेक्ट आंसर, यानी निकारागुआ की राजधानी मानागुआ है, ठीक है बच्चों। चलिए अब इनको भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं गाइज, अगर आपसे पूछा जाए कोपनहेगन, ठीक है ना, तो आप लोग बताएंगे तो गाइज यहाँ पे कोपनहेगन डेनमार्क की राजधानी है, ठीक है, क्या है, किसकी है, तो डेनमार्क कोपनहेगन बच्चों अगर आपके क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि राजधानी कहाँ होती है, तो
आप लोगों का जवाब रहेगा डेनमार्क, ठीक है ना। तो कोपनहेगन डेनमार्क की राजधानी और यहाँ का सबसे बड़ा यह नगर है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक और आई है बच्चों, निकारगुआ। तो आप सभी ने देख लिया कि यहाँ पे निकारगुआ मनगुआ की राजधानी है, और यहाँ पे एक और ऑप्शन नंबर बी में जैसा कि है केनबरा, ठीक है ना। तो इसके बारे में अगर पूछा जाए तो ये गाइस यहाँ पे ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ठीक है ना। तो आप लोग ये सबको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कैनबरा ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ यह यहाँ की राजधानी है, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों यहाँ पे, और इसमें पूछी जा रही है निम्नलिखित में से किसे पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो बताइए आप लोग फास्ट क्रॉसिंग विच ऑफ द फ्लोइंग एयर्स ऑन डे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, अगर मैं ऑप्शनों की और बात करूँ, ऑप्शन ए है भूमध्य रेखा उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा दक्षिण से उत्तर, या ऑप्शन डी 180 डिग्री देशांतर पूर्व से पश्चिम, या ऑप्शन डी 180 डिग्री देशांतर पश्चिम से पूर्व। तो बताइए बच्चों यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए रहती है बच्चों, यानी किसे पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी दे रहे हो, इट इज़ करेक्ट आंसर, यानी 180 डिग्री देशांतर पश्चिम से पूर्व इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ दिया जाएगा, यहाँ पे तो था कि एक दिन जब यहाँ पे जुड़ जाता है ना, और अगर यहाँ पे पूछ दिया जाएगा कि एक दिन कम हो जाती है, ठीक है, यानी घट जाती है, तो वह कौन सा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछा जाएगा एक दिन जैसे कम हो जाती है, ठीक है, यानी घट जाती है। तो आप लोग बताइए इसका यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या होगा। तो जी हाँ बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा ये आपको ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। क्योंकि जय आप लोग इतना ध्यान में रखेंगे, जब एक जुड़ती है तो पश्चिम से पूर्व होगा, और जब एक घटती है तो पूर्व से पश्चिम होगा, ठीक, अपोजिट आप लोगों को इसके चले जाना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर बच्चों मूव करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा इसे, ये भी एक प्रश्न यहाँ पे हो गया घट जाना, और एक यहाँ पे बढ़ जाना यानी जुड़ जाना, दोनों के बारे में बता दिया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अब हम अगले प्रश्नों की ओर बच्चों मूव करते हैं, और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है, और ये भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे सवाल है बच्चों, और इसमें पूछी जा रही है आपसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है, ठीक है ना। तो ये भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रश्न है। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 34, ऑप्शन सी 20। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे इस प्यारे से क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या होगी, ठीक है ना। तो जी हाँ बच्चों, अगर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ करेक्ट आंसर, यानी 15 है बच्चों। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 15 होती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बच्चों कि इस प्यारे से क्वेश्चन से रिलेटेड, मैं एक और क्वेश्चन आप सभी को देता हूँ कि आपसे अगर पूछ दिया जाएगा कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है, जो चुनी जाती है, वो कितने वर्षों तक होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे उनकी जो भी यहाँ पे वर्ष होती है, तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग इसे बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं बच्चों। कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो 9 वर्ष। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, 9 वर्ष के लिए यहाँ पे चुने जाते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पे न्यायाधीशों की बात हुई है, इसीलिए मैं इसके बारे में पूरी यहाँ पे डिफाइंड कर दिया। और यहाँ पे एक और प्रश्न बच्चों आपके लिए, ठीक है। तो बच्चों अगर यहाँ पे आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए आप सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मुख्यालय मीन्स हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो आप सभी का क्या आंसर आएगी बच्चों? तो बच्चों यहाँ पे आप लोग देख लीजिए मुख्यालय इसका कहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, तो ये गाइस यहाँ पे हैंग में है, ठीक है, कहाँ पे है, हैंग यानी नीदरलैंड्स में है बच्चों, नीदरलैंड्स। तो यहाँ पे इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्नों की ओर मूव करने से पहले यहाँ पे एक और क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अब जब न्यायालय की बात हुई है तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को हम लोग कवर कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा जाएगा भारत देश में कुल कितने न्यायालय हैं, बताइए आप लोग फास्ट। तो बच्चों इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी, जो भी देश में कुल न्यायालयों की जो संख्या है वो 25 है, ठीक है। चलिए यहाँ पे इस सब क्वेश्चन को नोट करते हुए अब आप लोग अगले प्रश्नों की ओर मूव करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और यहाँ पे देखिए आपके पास एक और अच्छी क्वेश्चन यहाँ पे आ चुकी है, और ये भी काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे अच्छा है। इसमें पूछा जा रहा है भारत रत्न से मरणोपरांत विभूषण प्रथम व्यक्ति, हाँ जी यानी यहाँ पे भारत रत्न से सम्मानित वैसे व्यक्ति का नाम बताना है जो कि यह प्रथम व्यक्ति हैं और उनको मरने के बाद यहाँ पे भारत रत्न विभूषित से सम्मानित किया गया है। तो बताइए आप लोग विभूषित यानी भारत रत्न, ठीक है, तो इसे उनको यहाँ पे सम्मानित की गई है। अब समझिए मरने के बाद भी उनको ये यहाँ पे पुरस्कृत की गई है बच्चों, ठीक है। तो बताएं आप लोग फास्ट क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन है बच्चों यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखेंगे ऑप्शन क्या क्या है, लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन सी डॉक्टर अम्बेडकर, फिर उसके बाद ऑप्शन डी कुमारा स्वामी कामराज, बताइए आप लोग फास्ट। जी हाँ बच्चों अगर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों की जवाब आई ऑप्शन नंबर ए इट इज करेक्ट आंसर, यानी लाल बहादुर शास्त्री को ही मरणोपरांत विभूषित से पुरस्कृत किया गया था। जी हाँ दोस्तों मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ठीक है ना, और यह पुरस्कार इनको 1966 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है ना, और यह भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, ठीक है, मरणोपरांत की मैं बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे आपसे पूछ दिया जाएगा बच्चों कि आप लोग ये बताइए कि भारत रत्न जो कि सर्वोच्च यहाँ पे पुरस्कार होती है उसको प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है, ठीक है ना, यहाँ पे तो मरणोपरांत तो यहाँ पे आप लोग का क्या जवाब रहेगी, लाल बहादुर शास्त्री जी रहेगी, बट यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति की नाम क्या है, वो कौन व्यक्ति है, ठीक है ना। तो जी हाँ बच्चों अगर तीन प्रथम व्यक्ति हैं जिनका नाम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, और इनको एक ही साथ यह पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। पहला तो है बच्चों आप सभी लोग जानते हो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, पहला ये थे, फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा थे बच्चों आप लोग देख लीजिएगा, दूसरा है चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, ठीक है, एंड थर्ड में जिनको यहाँ पे भारत रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था और यह भारत के प्रथम व्यक्ति हैं जिनका नाम यहाँ पे सीवी रमन, इन तीनों के बारे में तो मैं भी आप लोग जानते होंगे बच्चों। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर अब मूव करते हैं, ठीक है।
तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे एक और अच्छी क्वेश्चन और एक प्यारा सा क्वेश्चन आ चुका है और इसमें पूछा जा रहा है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है गाइस, आप लोग बता दोगे इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, ठीक है ना। तो बताइए आप लोग फास्ट इस प्यारे से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगी। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों की जवाब आई ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ करेक्ट आंसर, यानी फील्ड हॉकी यहाँ पे राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। अभी अब यहाँ पे बात आई है क्रिकेट की, तो बताइए क्रिकेट किस देश का राष्ट्रीय खेल है, नेशनल खेल है। तो यहाँ पे इंग्लैंड, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का ये राष्ट्रीय खेल है। और भी यहाँ पे कई कंट्री हैं बट मैं यहाँ पे दो ही कंट्री का नाम दे रहा हूँ और मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। पीडीएफ जब प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम पे तो वहाँ पे आप सभी को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे देखिए कबड्डी की बात आई है, तो बताइए आप लोग फास्ट कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। जी हाँ दोस्तों, कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अब हॉकी की बात आई है, ठीक है। तो हॉकी तो यहाँ पे भारत की राष्ट्रीय खेल है, साथ साथ ये गाइस पाकिस्तान का भी यहाँ पे राष्ट्रीय खेल है, ठीक है, भारत के साथ साथ पाकिस्तान का भी है। फिर फुटबॉल की बात आई है गाइस, तो बताइए आप लोग फास्ट फुटबॉल यहाँ पे फोर कंट्री का ये राष्ट्रीय खेल है। ब्राज़ील पहला, दूसरा हो गया बच्चों रूस, तीसरा स्वीडन, और यहाँ पे चौथा कंट्री हो गया जो फ्रांस। तो ये फोरों कंट्री यानी जो भी ये चारों कंट्री हैं इनकी नेशनल जो गेम है वो कौन सी है, फुटबॉल है। तो आप लोग याद रखेंगे डायरेक्ट बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा बच्चों कि आप लोग बताइए इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, यानी नेशनल गेम कौन सा है इंडोनेशिया, तो इसका जवाब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे इंडोनेशिया का नेशनल गेम की नाम क्या है, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्नों की ओर बच्चों हम लोग मूव करते हैं और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। तो इसमें पूछा जा रहा है बच्चों अशोक के अभिलेख किस भाषा में है, अशोक के अभिलेख, ठीक है, यह किस भाषा में है। तो आप लोग बताइए फास्ट, बताएंगे आप लोग मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस प्यारे से क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर यहाँ पे ऑप्शनों की ओर मैं मूव करता हूँ तो आप लोग देख पा रहे हो जो भी यहाँ पे ऑप्शंस दी गई हैं, ऑप्शन ए है पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी हिंदी। तो बताइए यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या होगी। तो जी हाँ दोस्तों, अशोक के गुहा लेख, ठीक है ना, यानी जो भी अशोक पे जो लिखा गया है जो भी उसमें आप लोग पढ़ते हो वो तो यहाँ पे प्राकृत भाषा में लिखी गई है, ठीक है ना। ये आप लोग पहला पॉइंट आप लोग यहाँ पे ध्यान रखोगे। अब यहाँ पे अगर बात आएगी कि किस लिपि में लिखी गई है, तो जैसा कि गाइस मैं आप लोगों को बताया था कि जो भी अशोक के अभिलेख है वो आपसे पूछ दिया जाएगा कि अशोक के अभिलेख पे किस लिपि में लिखी गई है, तो आप लोगों का क्या जवाब रहेगा। तो ये गाइस ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है, ठीक है, कौन सी लिपि में, तो ब्राह्मी लिपि में बच्चों यहाँ पे लिखा गया है, तो आप लोग यहाँ पे इसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर बच्चों मूव करते हैं, ठीक है। तो एक और प्यारा सा क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे आ चुकी है और इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे अधिक सूर्य किस राज्य में निकलता है, यानी सबसे पहले ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे सूर्य पहले दिखाई देती है, नज़र आती है। ऑप्शनों की अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी चंपारण, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, बताइए आप लोग फास्ट इस प्यारे से क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट जवाब
क्या होगी। तो अगर मेरे विद्यार्थियोंगण आप सभी का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर ए इट इज़ करेक्ट आंसर, यानी भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलती है और वहीं पे नज़र आती है, ठीक है ना। तो इसीलिए बच्चों अरुणाचल प्रदेश को एक और नाम दे दिया गया और एक और नाम से हम लोग जानते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ रहेगा, ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि सूर्य की भूमि किस राज्य को कहा जाता है, तो आप सभी का जवाब क्या रहेगी बच्चों, अरुणाचल प्रदेश पे ही आप लोग टिक आउट करके आना, ठीक है ना, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को उगते हुए सूर्य की भूमि भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए बात आई है जब सूर्य की, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा सबसे पहले कहाँ निकला, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि सबसे पहले सूर्यास्त किस राज्य में होती है, ठीक है ना, सब यानी बच्चों ऐसा क्वेश्चन रहेगा भारत के किस राज्य में, ठीक है, भारत के किस राज्य में सूर्यास्त सबसे पीछे होता है, बताइए आप लोग इसका यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या होगी। जी हाँ बच्चों अगर आप सभी का जवाब आई गुजरात, इट इज़ करेक्ट आंसर, यानी गुजरात में ही आप लोगों को सबसे लेट सब देरी पे सूर्यास्त होते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, आप लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की ओर। जी हाँ दोस्तों आपकी स्क्रीन पे एक और प्यारा सा क्वेश्चन आ चुकी है और इस क्वेश्चन में पूछी जा रही है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, मीन्स यहाँ पे सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति यानी जल सेना, ठीक है, वायु सेना, फिर उसके बाद थल सेना, ठीक है, इन तीनों का यहाँ पे सर्वोच्च सेनापति कौन कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन की मैं अगर बात करूँ भाई तो ऑप्शन में आप लोग देखोगे ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, इन तीनों सेना का यहाँ पे हेड कौन होता है, ठीक है, सुपर हेड आप लोग बोल सकते हो, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पे देखिए इन तीनों का यहाँ पे सर्वोच्च सेनापति यानी हमारे भारत के राष्ट्रपति मीन्स प्रेसिडेंट जी होते हैं। तो आप लोग के लिए एक और प्यारा सा क्वेश्चन बच्चों, तो बच्चों आप लोग बताएंगे वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं, ठीक है ना, कौन तो राष्ट्रपति। और इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप सभी विद्यार्थियों के द्वारा जरूर आनी चाहिए, ठीक है ना, वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे ऐसे ही जोश और उमंग के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को वंदे मातरम।